हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही काम का किचन टिप्स लेकर के आई हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चुकंदर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। सलाद के रूप में भी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि सभी लोग को चुकंदर पसंद नहीं होता है। तो इसका मैं दो तरह से यूज बताऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से चुकंदर यूज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। चुकंदर को छील करके धो करके ले लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और इसका 5 मिनट में बिना जूसर के घर में जूस निकाल सकते हैं, और जूस पीने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। बड़े बच्चे सभी आसानी से जूस पी लेते हैं। मिक्सी का जार में चुकंदर का टुकड़ा डाल लिए हैं, और अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में और पानी डाल लेंगे, और अब ढक्कन लगा करके ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चुकंदर ग्राइंड हो गया है। अब एक बाउल और छन्नी ले लेंगे और जूस छान लेंगे, जार को खंगाल करके इसी में डाल लेंगे, और चम्मच से हिलाते हुए जूस छान लेंगे। तो जूस अच्छे से छन जाएगा, और छानने के बाद जो बचेगा उसको फेंकेंगे नहीं, फ्रिज में रख करके 2-3 दिन का जमा करके हलवा बना सकते हैं, या एक और यूज मैं बताऊंगी। 5 मिनट में चुकंदर का जूस बनके रेडी हो गया। चुकंदर का जूस हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और साथ में आयरन का भी कमी बहुत जल्द पूरा हो जाता है। तो आप इस तरह से घर में जूस निकाल करके पी सकते हैं। जूस छानने के बाद जो बच गया था उसको आप आटा में मिक्स करके, आटा गूंथ करके रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल चुकंदर का टेस्ट नहीं आता है, बस कलर चेंज हो जाता है आटा का। या चुकंदर को मिक्सी में ग्राइंड करके, आटा में मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं या रोटी में गूंथ करके रोटी बना करके खा सकते हैं। अगला टिप है, जब हम रोटी कपड़ा लगा करके रखते हैं फिर भी नीचे का रोटी भाप से गीला हो जाता है, आप ध्यान दिए होंगे, और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो हॉटकेस में स्टैंड डाल लीजिए और उसके बाद कपड़ा लगाइए और फिर रोटी रखिए, तो नीचे का रोटी गीला नहीं होगा और लंबे समय तक रोटी सॉफ्ट और मुलायम रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी पसंद आया होगा। लहसुन तो रोज़ रोज़ किचन में लगते ही रहता है, या जब कभी ज़्यादा लहसुन का ज़रूरत पड़ता है तो लहसुन छीलने में नाखून में जलन देने लगता है। तो आपको जितना लहसुन का ज़रूरत है आप इस तरह से फोड़ लीजिए, और इसे पानी में भिगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। लहसुन को रखे हुए 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है। इस तरह से आप ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं और नाखून में जलन भी नहीं देगा। इस तरह से आप लहसुन छील लीजिए और डब्बा में रख करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको लहसुन का ज़रूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। दाल तो हम सभी लोग रोज़ बनाते हैं, लेकिन दाल को आधा एक घंटा पहले भिगा करके रख देंगे तो दाल जल्दी पक जाएगा और गैस का भी बचत होगा। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद दाल को धो करके रख दीजिए, आधा घंटा बाद आप कभी भी बना सकते हैं, या आधा घंटा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह बर्तन में रख करके छोड़ सकते हैं, या सुधा कुकर में डाल दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ये टिप्स पसंद आएगी। और साथ में चावल को भी धो करके रख लेंगे, चावल में गर्म पानी डालेंगे। मार्केट का चावल रहने से पॉलिश किया हुआ रहता है, तो इसमें जो भी पॉलिश होगा गर्म पानी से निकल जाएगा, हमारा चावल अच्छा हो जाएगा। और अब 2-3 पानी से धो लेंगे चावल को भी, आधा घंटा बाद आप कभी भी बना सकते हैं। धो करके रखने से चावल सॉफ्ट बनता है और गैस भी कम लगता है, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको फ़र्क खुद ही पता चलेगा। जब हम दाल बनाते हैं तो दाल से पानी फेंकने लगता है, और कुकर भी गंदा हो जाता है, और हमारा गैस भी गंदा हो जाता है, और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो दाल में 2 बूंद तेल डाल लीजिए और ढक्कन में भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, तो दाल से पानी नहीं फेंकेगा। जब कभी कुकर के साइड से एयर निकलने लगता है और कुकर सीटी नहीं लेता है, तो ढक्कन निकाल करके रबड़ भी निकाल लीजिए और धो करके ढक्कन लगा लीजिए,
उसके बाद देखेंगे कि आपका कुकर सीटी लेने लगा। यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।